हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपके सामने, तो आपको इनमें से वर्ब को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का। तो जैसे दे इलेक्टेड हर चीफ, इसमें इलेक्टेड को अंडरलाइन करेंगे और बच्चों ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का है। डू नॉट फ्रीज द फूड, इसमें फ्रीज को अंडरलाइन करेंगे और ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। द जार कंटेन्स जूस, इसमें कंटेन्स को अंडरलाइन करेंगे और ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आई शैल राइट ए बुक, इसमें राइट को अंडरलाइन करेंगे और ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इट वॉज नॉन टू दैम, इसमें नॉन को अंडरलाइन करेंगे और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो बच्चों व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या होती है? तो वॉइस वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसमें बताते हैं कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है या उस पर एक्शन किया जा रहा है। तो जैसे कि अभी ब्रोक द विंडो, या अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय अभी। तो इन दो सेंटेंस में क्या अंतर है? जैसे अभी ब्रोक द विंडो, इसमें क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है अभी और वो विंडो पर कुछ कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया जिसमें सब्जेक्ट डूअर है। और दूसरे सेंटेंस में विंडो हैज ब्रोकन बाय अभी, जो किस चीज पर काम किया जा रहा है उसको हम सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो अब हम रूल्स फॉर चेंज ऑफ वॉइस, वॉइस चेंज करने के कुछ रूल होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जब हमें सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना होता है, तो हम एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट का वर्ब होता है उसे सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं और सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। दूसरा, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे बी को जो बीइंग वर्ब होते हैं उसमें इज आर एम वाज वर बीइंग बीन, इनमें चेंज हो जाते हैं, उसमें टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। प्रीपोजिशन बाई यूज किया जाता है मेन वर्ब के बाद पैसिव सेंटेंस में। अब पैसिव वॉइस ऑफ टेंस, अलग अलग टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए अलग अलग तरह से चेंज किया जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसकी एक्टिव वॉइस है ही राइट्स ए लेटर। अगर हम उसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। इज रिटन बाय हिम, इसमें एक तो सब में बाय लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम। इसी तरह पास्ट टेंस में वाज रिटन हो जाएगा, ही रोट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और पैसिव में अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ही विल राइट ए लेटर में अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। तो इन सब में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और उसके बाद बाय लगता है और फिर सब्जेक्ट की तरफ चेंज होता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज बीइंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट प्रोग्रेसिव में वाज बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज रिटन की जगह जैसे हैज बीन रिटन हो जाएगा, हैड रिटन की जगह हैड बीन रिटन और विल हैव रिटन की जगह विल हैव बीन रिटन, इसमें चेंजेस होते हैं। तो अब हम पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे कि कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, इस तरह के सेंटेंस यूज किए जाते हैं, तो उसमें हम लेट यूज करते हैं। जैसे प्लीज ओपन द विंडो, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। पोस्ट दिस लेटर या लेट द लेटर बी पोस्टेड, इस तरह से हम सेंटेंस को लिखते हैं। अब हम सेंटेंस के पैसिव वॉइस को मॉडल वर्ब के साथ किस तरह से चेंज करते हैं, तो बच्चों जैसे है ही कैन सॉल्व दिस सम, तो ये एक्टिव वॉइस है, उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो दिस सम can be solved by him, इस तरह से करेंगे। She could have helped him को he could have been, past perfect को past उसमें been और add कर देंगे, he could have been helped by her, she का her हो जाता है passive voice में। अब non infinity के passive voice कैसे बनाते हैं, जैसे he remembered his mother, ये active voice है, तो हम क्या लिखेंगे, he remembered being taken to the he remembered his mother taking him to the fair, हम क्या लिखेंगे, he remembered being taken to the fair by his mother। To infinity का किस तरह small use करते हैं, जैसे you are to obey the orders, हम क्या लिखेंगे, orders are to
टू बी ऑबेड बाय यू। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को चेंज करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे द फिनिशिंग हिज वर्क ही टुक रेस्ट, तो द वर्क बीइंग फिनिश्ड ही टुक रेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर एक टेबल है जिसमें कि मॉडल और नॉन इन्फिनिटी के पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे कैन प्ले को कैन बी प्लेड, मे प्ले को मे बी प्लेड, मस्ट प्ले को मस्ट बी प्लेड, तो इन सब में बी एड हो जाता है, और प्लेइंग में बीइंग प्लेड, हैविंग प्लेड में हैविंग बीन प्लेड। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जैसे कि डू यू नो द वे टू टेम्पल, तो हम क्या लिखेंगे, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव रहेगा, इज द वे टू टेम्पल नोन बाय यू, हैव यू एवर विजिटेड अमेरिका, हैज अमेरिका बीन एवर विजिटेड बाय यू, इज ड्रॉइंग्स कन्वेड अ ब्यूटिफुल मैसेज, तो अ ब्यूटिफुल मैसेज वॉज कन्वेड बाय हिज ड्रॉइंग्स, मोहित इज स्टिचिंग द ड्रेस इज बींग स्टिच्ड बाय मोहित, माई सिस्टर वॉज राइटिंग अ स्टोरी वॉज बींग रिटन बाय माई सिस्टर, द स्टूडेंट्स डेकोरेटेड देयर क्लासरूम वॉज डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स, आई हैव बोरोड हर कार फॉर एन आवर, हर कार हैव बीन बोरोड बाय मी फॉर एन आवर। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि लंच इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड बाय अन्ना, तो अन्ना इज प्रिपेयरिंग लंच, इज द रोड टू द चर्च नोन टू यू, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इज द चर्च आर यू नोन द रोड टू द चर्च, आर यू नोन टू द रोड टू द चर्च, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय अवी टूडे, तो हम क्या लिखेंगे, अवी विल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टूडे, अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय श्रेया, तो श्रेया रोट अ लेटर, श्रेया वॉज राइटिंग अ लेटर, दीज स्टोरीज आर रिटन बाई रोलिंग, तो रोलिंग राइट्स दीज स्टोरीज, एन ऑनलाइन लाइब्रेरी हैज बीन स्टार्टेड बाई हर ड्यूरिंग COVID-19, तो शी हैज स्टार्टेड एन ऑनलाइन लाइब्रेरी ड्यूरिंग COVID-19, इस तरह से हम इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जैसे दिस ग्लास कंटेन्स मिल्क, मिल्क इज कंटेन्ड बाय दिस ग्लास, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड बाय समवन, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो वंस प्रॉमिस शुड बी कैप्ट बाय वन, पीपल ईट राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड, या राइस आर ईटन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्रास ग्रोस ओवर द फील्ड, तो ग्रास ग्रोस ओवर द फील्ड, तो ग्रास ओवर द फील्ड इज ग्रोन बाय ग्रास, या ग्रास इज टू बी ग्रोन ओवर द फील्ड, द बुक इज बीइंग प्रिंटेड, इस तरह से हम इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू।